अच्छा तो दोस्तों, बाबा केदार के दर्शन करने के बाद हमने एक नई चीज यहाँ पे देखी है। जो शिला है ये, जिसने बाबा केदार को बचाया, या मंदिर को अगर मैं बात करूँ बचाया, तो वहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मुझे देखने को मिल रहा है कि लोग अपने नाम के या अपने परिवार के नाम के एक पत्थर रख रहे हैं या मंजिल बना रहे हैं। इट मीन्स वो चाहते हैं कि जैसे हमारा किसी का मकान नहीं बना है तो चाहते हैं कि हमारा मकान बन जाए, किसी को कुछ, तो अपने अपनी विश कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो इस प्रकार के लोगों ने मीनार बनाई है। ये मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम, 2-3 बार मैं वैष्णो देवी गया हूँ, तो वैष्णो देवी मैंने देखा है कि ऑन द वे वो लोग पत्थर के ऊपर पत्थर रख के अपनी अपनी मन्नत मांग लेते हैं कि भैया मुझे हमारा एक मकान बन जाए, या हमारा मकान 2 मंजिला बन जाए, 3 मंजिला बन जाए। तो इस प्रकार के उनका अपने अपनी विशेष होती है। तो ये नया मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि केदारनाथ मैं 3री बार आ रहा हूँ, तो ये कुछ नया, एक ने शुरू किया होगा, दोनों शुरू किया होगा। तो हमारे यहाँ बोलते ना इंडिया में तो लोगों में आस्था पूरी है, लोग सोचते हैं कि मैं ऐसे करूँगा, आस्था पूरी है। हम भी करेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का के दरबार में हम लोग आए हैं, तो हम अपने प्रयत्न करने से पीछे नहीं हटेंगे, हम कोशिश करेंगे। और हम भी ये कोशिश करेंगे कि हम भी चाहें कि एक ऐसा विश हम लोग करें। पर ये एक नया पैटर्न भगवान भोलेनाथ के केदारनाथ के धाम में चल रहा है। आज तक ऐसा कभी जो आपदा थी उसमें भगवान केदारनाथ का जो मंदिर था वो बच गया था, और उसको बचाने के लिए जो मुख्य रोल या जो मुख्य कार्य किया है इस शिला ने, ये है मेरे पीछे वो शिला, इसे आप देख सकते हैं, ये शिला ने मंदिर को बचा दिया था। देखिए ये मंदिर आप देख रहे हैं, और ये शिला ने उस मंदिर को बचा दिया। अच्छा मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, देखो किसी ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, किसी ने एक छोटा सा बनाया है, किसी ने बहुत छोटा बनाया है, और किसी ने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो सबके अपने अपने एफर्ट है, सबने अपने अपने एफर्ट लगाए हैं इस प्रकार का मकान या इस प्रकार की विश ट्राई करने के लिए।